दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आपको इसमें क्लियर 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 मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सीधा सीधा मैं बोलना चाहता हूँ, जिसका भी जियो फोन 3 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है वो अभी अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जिसका अभी भी जियो फोन को रजिस्ट्रेशन करना बाकी है वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं केवल इस वीडियो में केवल दो ही चीज़ बताऊँगा। एक तो जियो फोन 3 की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्यों इतना ज़्यादा उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मार पड़ी है, और कैसे कर रजिस्ट्रेशन मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करके आपको दिखाऊंगा। सो ही व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू द एंड एपिसोड। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बताना चाहता हूं कि जियो फोन 3 में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा 165 MP का बैक रियर कैमरा, उसके साथ ही साथ आपको देखने में मिलेगा 32 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। उसके साथ सबसे बड़ी जो क्वालिटी आपको निकल के आ रही है जियो फोन 3 की सुंदरता, जो किसी हाथ में एक शानदार सी लुक देने वाली है। दोस्तों बात करें जियो फोन 3 की, तो यहाँ पर आपको जियो फोन 3 में देखने को मिलेगा आगे और पीछे दोनों साइड में, फ्रंट और बैक साइड में एक गोरिल्ला ग्लास 5 का ग्लास, जो आपको एक सुंदर सा ब्यूटीफुल स्मार्टफोन का शानदार लुक आपको प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ बात करें जियो फोन 3 के कुछ और क्वालिटी में, तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है यहाँ पर कैमरा, जो 65 MP निकल कर आने वाली है। दोस्तों बात कर लें जियो फोन 3 के रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ डेस्कटॉप पर या फिर अपने ले चलता हूँ क्रोम ब्राउजर पर, वहाँ पर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जियो फोन 3 को बुक कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउजर या क्रोम में रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आपको लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आप जियो फोन 3 को बुक कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने की कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब आप जियो फोन 3 को ऑर्डर करेंगे तो वहां पर आपको 1499 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर बात करें एक्सचेंज ऑफर का, तो जियो फोन 3 के साथ जियो फोन 2 का जो एक्सचेंज ऑफर होगा वहाँ पर आपको दोस्तों 1001 रुपये देना पड़ेगा एक्सचेंज करने के लिए जियो फोन 1 और जियो फोन 2 के लिए। दोस्तों अगर जियो फोन 2 की कंडीशन बहुत अच्छी है तो वहाँ पर आपको केवल 501 रुपये पैड करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जियो फोन 1 के साथ यहाँ पर आपको 1001 रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ कंडीशन है कि जियो फोन 1 और या फिर जियो फोन 3 एक्सचेंज ऑफर में आपकी फ़ोन ऑन होनी चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो ओपन करते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन नहीं करना चाहते हैं लिंक द्वारा क्रोम द्वारा, तो आप डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली आप जियो फोन 3 को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की क्रोम में, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। मैं कर लेता हूँ ओपन,